आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये टांगा घोड़ा सर्विस, सभी हम इधर से टांगे में बैठेंगे और फिर ये हमें लेके जाएगा दूसरी साइड पे। तो इट्स अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग। तो हमें अभी लाइन में इंतज़ार करना पड़ेगा। वेलकम टू माई YouTube चैनल राणा ज़ीशान अकरम। आज मेरा जो UK का टूर था उसका सेकंड लास्ट डे है और आज मैं एक इंतहाई खूबसूरत जगह, मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जगह लगी अभी तक, उस पर आया हूँ। और अक्सर भाई का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये जगह विज़िट करवाई। मैं आपको अभी आपको इस वीडियो के ज़रिए कोशिश करूँगा कि आपको इसको विज़िट करवाऊँ। इंतहाई खूबसूरत जगह है ये, कह लें कि मेरी यूके में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जगह लगी है ना, तो वो ये है। और इसका नाम है ब्लैक पूल के नाम से, ना ब्लैक पूल के नाम से ये जगह है। और ये मैनचेस्टर से नॉर्थ की जानिब ऑलमोस्ट अराउंड 70 किलोमीटर्स अवे है और ये आयरिश सी पे वाक़ है। तो मैं भी आपको सारा इस सिटी का, इस ब्लैक पूल एरिया का विज़िट करवाऊँगा। इंतहाई दिलकश जगह है, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त या मैं जो भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी रहती है इंग्लैंड में, वो उनको शायद इस जगह का नाम पता हो ब्लैक पूल का। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस जगह को लाजमी विज़िट करें, इंतहाई खूबसूरत जगह है, मतलब अल्फाज नहीं है। मैं भी आपको सब विज़िट करवाऊँगा। इसमें जो ट्रैम सिस्टम है, जो मतलब टांगा घोड़ा, हॉर्स कार्ट और ये जो भी मतलब इधर पार्क वगैरह, वो सब इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊँगा। तो लाजमी इस जगह को विज़िट करें, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा इस जगह को। ये मैनचेस्टर से तकरीबन 70 किलोमीटर्स अवे है, इसको आप लाजमी विज़िट करें। ये सामने जो आपको टावर नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं ब्लैक पूल टावर। और बाकी आप झूले वगैरह देख सकते हैं इधर। ये भी इधर इंग्लैंड में विंटर है और विंटर में मोस्टली रश नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर आप अभी तक देख सकते हैं कि रश ही रश है। मैं आपको ट्रैम सिस्टम इनका दिखाऊंगा, अगर आप इधर से ट्रैम भी ले सकते हैं और अगर आपको टांगा घोड़ा चाहिए वो भी आपको मिलेगा। मतलब बहुत खूबसूरत जगह है ये ना। ये है जी आयरिश सी और इसके जो दूसरी साइड पे है वो है आयरलैंड। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है, मैं कोशिश करूंगा कि समर में, कहा जाता है कि ये समर में फुली पैक्ड होती है, मतलब इधर आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो दोबारा इस जगह को विज़िट करेंगे लाजमी। मुझे ये बहुत पसंद आई है जगह, तो हाईली रिकमेंडेड। ये इधर टांगे घोड़े की सर्विस है, ठीक है, इधर से आप टांगा घोड़ा ले कर आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये भी मतलब पहली दफ़ा ही इंग्लैंड में ये चीज़ देखने को मिली है और इंतहाई दिलकश है ये। अभी हम इसमें बैठेंगे और फिर इससे इसमें बैठ के हम इनमें से किसी एक टांगे घोड़े पे बैठ के हम जाएंगे इंशाल्लाह दूसरी साइड पे। इट्स सो ब्यूटीफुल। ये बस सर्विस इनकी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी गुड इन यूके। ये इस तरह की ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको इधर नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन पर्थ, बट इफ़ यू आर गोइंग टू सिडनी, यस देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। रश देखें, ट्रैफिक फुली पैक। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये टांगा घोड़ा सर्विस, अभी हम इधर से टांगे में बैठेंगे और फिर ये हमें लेके जाएगा दूसरी साइड पर। तो
इट्स अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग। तो हमें अभी लाइन में इंतज़ार करना पड़ेगा और ये जो आप देख सकते हैं ये क्यू, तो क्यू वाइज हमें चलना पड़ेगा और जब हमारी बारी आएगी हम इस टांगे में बैठेंगे और फिर ये हमें दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये आप देख सकते हैं ट्रैम सिस्टम, तो इस ट्रैम के ज़रिए भी आप एक जगह से दूसरी मतलब जगह जा सकते हैं। लाइक देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, यू कैन गेट टांगा घोड़ा, यू कैन गेट ट्रैम, यू कैन गेट बस और वॉट एवर यू वांट टू गेट, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अभी मैं बारी बारी सबको मतलब ट्राई करूँगा, ट्रैम से ट्रैम पर ही बैठेंगे, फिर ट्रैम जो सर्विस है बिल्कुल फ्री, और टांगा घोड़ा भी लेंगे और फिर क्या करेंगे, बस को नहीं लेंगे क्योंकि बस मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर चुका हूँ लंदन में। तो अभी मैं ट्रैम पे और टांगा घोड़ा पे बैठूंगा और ट्रैम पे बैठ के दूसरी साइड पे जाएंगे और घोड़ा पे बैठ के टांगा घोड़े पर बैठ के वापस इधर आएंगे। अभी इस ट्रैम पे बैठूंगा मैं और फिर इस ट्रैम पे बैठ के हम दूसरी साइड पे जाएंगे और फिर उधर से टांगा घोड़ा लेके वापस इस तरफ आएंगे। इट्स वेरी अमेजिंग। बड़े बड़े खतरनाक झूले लिए हैं, ठीक है, रोलर कोस्टर हो गया, फ्री फॉल हो गया, लेकिन ये वाला जो झूला है, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मतलब खतरनाक ग्रीन झूला है। इसमें एक ये वजह है कि चक्कर आते हैं, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि इसको देख के ही डर लगता है चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह इसमें बैठना लाजमी। अभी इस क्यू में वेट करना पड़ेगा और फिर वो एंड तक क्यू चलेगी और उसके बाद फिर बारी आएगी। तो जी अभी बूस्टर की ले लिया टिकट और दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो जी अभी बैठ के उड़ा है इस पे बूस्टर पे और जा रहे हैं टॉप पे। यकीन करें दिल की धड़कन बड़ी तेज़ है और ठंडी हवा।
अभी हूँ मैं बिल्कुल टॉप पे जहाँ से आप आयरिश सी का व्यू कर सकते हैं और ब्लैकपूल टाउन का व्यू कर सकते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग। तो जी राइड हो चुकी है ख़त्म और इट वाज वेरी अमेजिंग। काफ़ी इंजॉय किया। जो डर था अल्हम्दुलिल्लाह लाइक चक्कर आएंगे, चक्कर नहीं आए। डर तो वैसे कोई नहीं, बस ये चक्करों का होता था थोड़ा सा, लेकिन कोई चक्कर नहीं आया। बड़ा इंजॉय किया। How was the ride, brother? Perfect. Very good. So you enjoyed? Yeah. Yeah. So you're from England? No, I am from Latvia. Okay. So it was very amazing. ये आप देख नीचे देखें, लोग आपको वो चूंटियों की तरह नजर आएंगे। ये वाला झूला लिया है हमने, लेकिन इसमें काफी ज्यादा चक्कर आए हैं। और जो सबसे जो इनोसेंट झूला है वो ये है, इसमें आपको कोई चक्कर नहीं आता, लेकिन आप इसका ना मतलब व्यू कर सकते हैं सिटी का। तो जी अभी हम करते हैं मतलब काम अपने स्कूल का, ब्लैक होल के टूर का। मेरा जो यूके में 9-10 दिन का स्टे था, उसमें जो बेस्ट डे था वो आज है। तो अख्तर भाई का बहुत शुक्रिया कि वो मुझे ब्लैक पूल लेके आए। एक नया जो मतलब था वो हमने सिटी एक्सप्लोर किया, नया जो है वो टूरिस्ट वेन्यू एक्सप्लोर किया। तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, वो जो है ब्लू कलर का वो है ब्लैक पूल टावर, और फिर वो झूला जहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले झूला लिया था, इट वॉज अमेजिंग। तो अभी हम निकलते हैं और दोस्त ने एक इनवाइट किया हमें खाने पे। तो मैनचेस्टर इधर से तकरीबन 1 आवर की ड्राइव है, तो अभी हम निकलेंगे मैनचेस्टर की तरफ और फिर अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है। फिर इंशाल्लाह ये मेरा जो है आज सेकंड लास्ट डे है इधर। दुनिया बड़ी हसीन है भाई, मैं बार बार कहता हूँ जिस जिस जगह पे मैं गया हूँ ना, दुनिया बड़ी हसीन है। एक्सप्लोर कर लो जब तक मतलब आप, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपको मौका मिलता है।